अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो मजूने असपंद यानी कि हरमल। मजूने असपंद बनाने का ही ये एक ऐसी ज़बरदस्त माजून है जो उज़्वे मखसूस को इतना सख्त कर देती है कि इंसान को उठते हुए शर्म आती है। इस नुस्खे को बहुत ही आसानी से बनाया जाता है। ये कोई महंगा नुस्खा नहीं है, बहुत ही सस्ता नहायत ही आसान नुस्खा है। कोई भी हकीम आपको ये नुस्खा नहीं बताएगा। इस कदर सस्ता नुस्खा है, आसान है, बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। नुस्खा क्या है? इस नुस्खे के इस्तेमाल से तमाम तर मर्दाना कमज़ोरी दूर होती है, उज़्वे मखसूस में सख्ती आती है। ऐसे तमाम तर अफराद जिन्होंने कसरत जमा कसरत मुबाशरत की वजह से अपने आप को कमज़ोर कर लिया है, अब ताकत नहीं है, नफ्स में इंतशार नहीं आता, नफ्स ढीला रहता है, हम बिस्तरी करने को दिल नहीं करता, तो इस माजून को 15 दिन इस्तेमाल कर लें। मैं कहता हूँ 15 दिन अगर आप इस माजून को लगातार इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके अलावा आपके नफ्स की रगें अगर कमज़ोर हैं तो इसके साथ कोई भी अच्छा सा तिला इस्तेमाल कर लें, आप 15 दिन में कामिल मर्द बन जाएंगे। नुस्खा क्या है, चलिए शुरू करते हैं। इस नुस्खे में सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है हरमल। हरमल यानी कि असबंद आपको चाहिए। हरमल यानी कि असबंद आपको चाहिए 2 तोला, ठीक है। जलवत्री आपको चाहिए होगी 2 तोला, जायफल आपको चाहिए 2 तोला, लौंग आपको चाहिए 2 तोला, दारचीनी आपको चाहिए 2 तोला, तिल स्याह आपको चाहिए होंगे 3 तोला। आपने करना यह है कि तमाम अद्वियात को आपने तमाम अद्वियात को बिल्कुल बारीक पीस लेना है। बिल्कुल बारीक पीसने के बाद आपने इसके अंदर इन तमाम अद्वियात के वज़न के बराबर आपने शहद डाल के इसको शीशे के जार में महफूज करके रख लेना है। इसकी खुराक यह है कि रोज़ाना सुबह उठ के आप नाश्ते के 1 घंटे के बाद नीम गर्म दूध के साथ इसकी 1 तोला खुराक लें। ये कम से कम आपकी 1.5 चम्मच बनेगी, बड़ी खाने वाली 1.5 चम्मच इसकी लें। अगर 15 दिन आप इसको बिला नागा इस्तेमाल कर लेते हैं तो ऐसे तमाम तर अफराद जिनके वज़ू में सख्ती नहीं आती, वज़ू ढीले रहते हैं, 15 दिन के बाद उनके वज़ू इस कदर सख्त रहेंगे, हर वक्त खड़े रहेंगे कि उनको उठते बैठते शर्म आएगी। ऐसा ज़बरदस्त और आला नुस्खा है ये। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।